अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के आह्वान पर गरिमा महिला कार्यक्रम के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा जैनब चंदेल के दिशा निर्देशों अनुसार शाहपुर महिला कांग्रेस ने केवल सिंह पठानिया सहित महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीना ठाकुर, प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सरिता सैनी, नम्रता सुषमा देवी, रीना पठानिया, शिवानी शर्मा ने लगभग 50 प्रवासी मजदूर महिलाओं को मास्क, हाथ धोने का साबुन, सैनिटाइजर, लेडीज पैड व जरूरतमंद सामान बांटा। पठानिया ने कहा कि शाहपुर ब्लॉक महिला कांग्रेस बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पहले जनता की सेवा के लिए खुद मास्क बनाकर तैयार किए और आज प्रवासी महिलाओं को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, लेडीज पैड इत्यादि अन्य जरूरतमंद सामान की 100 किटें बांटी। पठानिया ने कहा कि आजकल भाजपा मंत्री राजनीति के चक्र में मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा बांटने में लगे हैं। पठानिया ने कहा कि जिलाधीश महोदय से मांग की है कि मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा एसडीएम कार्यालय से सीधा बेनिफिशियरी के खाते में भेजें, ना कि राजनीति करने के चक्कर में इस संकट की घड़ी में जनता को खतरे में डालें। पठानिया ने कहा कि प्रशासन कांगड़ा के अंदर जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनके खाने का इंतजाम करे। कईयों के पास आधार कार्ड नहीं है न राशन कार्ड है। उनको राशन देने के लिए प्रशासन उनकी सुध ले, जिससे उनको किसी प्रकार की चिंता न हो और वे बेफिक्र होकर काम करें। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस वो प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्षा जैनब चंदेल के दिशा निर्देशों अनुसार मैं सबसे पहले जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्लॉक कांग्रेस महिला सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पहले इन्होंने मास्क और का बनाने का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया और आज उसके अंतर्गत ही इन्होंने लगभग 1500 किटें ऐसे बनाई थी जिसमें सैनिटाइजर, मास्क, लेडीज पैड और जरूरतमंद जो खाने का सामान था उनको उन्होंने बांटा। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। लगभग 1000 जो प्रवासी महिलाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पे काम कर रही हैं, अलग अलग झारखंडी, चंगर और इस सेंटर के इलाके में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सामान बांटा। मैं महिला कांग्रेस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये सोनिया गांधी के दिशा निर्देशों अनुसार ये सारा कार्यक्रम जो है वो प्रदेश भर में हमारे आदरणीय अध्यक्ष कुलदीप राठौर और जैनब चंदेल महिला कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं कल ही मैंने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में देखा कि जो स्थानीय एसडीएम है वो महिलाओं को बुलाकर चाहे वो चेक का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चाहे वो चेक बांटे जा रहे हैं महिला मंडलों को। मैंने जिलाधीश महोदय को चिट्ठी लिखी है, उसमें विनम्र प्रार्थना की है कि वो बजाय इसके गरीब आदमियों की जाके जो है सरकार और सरकार के मंत्री में जहाँ वो मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ जाके उनकी सेवा करें बजाय इसके कि वहाँ करें। अगर कोई पैसे का लेन देन सरकार मदद करना भी चाहती है तो वो ऑनलाइन जो है चाहे वो पेंशन के पैसे हैं, महिला मंडलों के पैसे हैं, चाहे वो उनके चीफ मिनिस्टर रिफंड के पैसे हैं, मैंने जिलाधीश महोदय से रिक्वेस्ट की है कि वो ऑनलाइन उन पैसों को जो है वो डाला जाए। और साथ में मेरी जिला प्रशासन से ये मांग है, आज हमने इंटरेक्ट भी किया, बहुत सी लेबर को जो है लॉकडाउन 1, 2, 3 में राशन पानी तो मिल रहा था, लेकिन मैं एक बार फिर क्योंकि अब लगातार ये काम काज चल रहा है, एक बार फिर जो है सब डिविजन लेवल पे जिलाधीश महोदय से मेरी विनम्र प्रार्थना है जो भी हमारी माइग्रेंट लेबर है और गरीब लोग हैं उनको जरूर जो है राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, और क्या बोलना चाहते हैं कि आप? यही हम लोग को तो राशन नहीं मिल रहा है सरकारी तरफ से। अच्छा, देता ही नहीं हम लोग को, आधार कार्ड है ये नहीं। अच्छा, आधार कार्ड बनाने के लिए जाता था तो बोल रहा था नेपाल के बंदा के नहीं मिलता है आधार कार्ड, इसलिए नहीं बनाया। अच्छा, तो प्रशासन ने क्या आपकी सुध ली प्रवासियों की? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं आया, आया था वो जिसका जिसका आधार कार्ड था वो उसका उसका दिया। अच्छा, उसको दिया। हाँ, आपका नहीं बना था? नहीं। तो आपको पहले भी नहीं मिलता था? नहीं। ठीक है, कांग्रेस हमारी चंदेल जी ने हमें बोला कि आपने गरिमा की तहत गरीब महिलाओं को, मजदूर महिलाओं को जो मास्क और एक पैड और साबुन की टिकिया की जो है वो उनको देने हैं, तो हमने केवल पठानी के माध्यम से जो भी सामान इकट्ठा किया है वो हमने 50-100 तक वो पैकेट और वो साबुन और मास्क जो हमने दिए।